हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई स्टडी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय सेलेन। आज के इस लेक्चर में जो हम प्रीवियस कुछ लेक्चर से जो आपका अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है मध्य प्रदेश पटवारी, उसके लिए जो हमने वीडियो सीरीज लॉन्च की थी उसको कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में अब जो मैथ्स रीजनिंग का पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट कुछ लेक्चर में हमने वही कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जो आपके व्यापम पूछता ही पूछता है। तो आप ऐसा मत करिएगा कि आप सोच रहे हो कि सर क्वेश्चन तो आने हैं 20, मैथ्स रीजनिंग के लगभग 20 पूछेगा, लेकिन आपने प्रीवियस कुछ 4-5 लेक्चर बना दिए, फिर क्या होगा जब आप ये एग्जाम शिफ्ट में होगा तो हर शिफ्ट में लगभग एक जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी शिफ्ट में कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। लेकिन व्यापम जो कॉन्सेप्ट पूछता है सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं कि हमेशा वो पूछता ही रहा है। ठीक है, चलिए तो अपने टॉपिक पे आते हैं, सीधा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, एक संख्या जो अपने आप, जो संख्या है वो अपने आप का 2/5 भाग, जो संख्या है उसका 2/5 भाग है वो उससे 75 अधिक है। ठीक है, यहां पर जो संख्या दी है उसका 2/5 भाग उस संख्या से 75 अधिक है, ये बात बोली है, तो वो संख्या क्या है? अगर ऑप्शन होता तो हम वहां से क्लिक कर लेते, लेकिन विदाउट ऑप्शन के कैसे क्लिक करेंगे? मैं ऑप्शन से भी करना बताऊंगा आपको कि ऑप्शन से आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर, बहुत ही कम समय में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल डिटेल में मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे, फिर एग्जाम के जब आपको कम से कम समय में कैसे करना है, मैं कुछ समय जब आपका एग्जाम का बिल्कुल नजदीक समय आएगा जब बताऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो मान लिया हमने वो संख्या एक्स है, हमें संख्या नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है उसका 2/5 भाग उस संख्या से 75 अधिक है। ठीक है, तो अगर वो संख्या एक्स है, वो संख्या एक्स है, तो इस एक्स का 2/5 किसका, इसका एक्स का 2/5, एक्स का मतलब गुणा 2/5। ठीक है, 2/5 से, 2/5 मतलब इससे 75 अधिक है तो वो संख्या बनती है, मतलब x जो बराबर है वो उस संख्या के 2/5 से 75% अधिक है। बस ये इक्वेशन आपको बनाना आ गई। मैं हर सवाल में बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन होता है उसकी सिर्फ एक इक्वेशन होती है, वो आपको आ गई तो आपका सवाल आराम से हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन बन गई, अब आप आराम से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपलीफाई करना है तो x, अब क्या करेंगे, इधर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x हो गया डिवाइड बाई 5 प्लस 75। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम सिंपल एलसीएम ले लिया 2x। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 75 मल्टीप्लाई कितना होगा, देखो एलसीएम आया 5, यहां पे 1, तो 5 का डिवाइड दिया इसमें तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो 2x। ठीक है, अब इधर 1 का इसमें डिवाइड दिया 5 बार तो 5 का ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहां पे आप मल्टीप्लाई मत करना, क्यों नहीं करना मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, जब ये आ गया, ठीक है, अब उसके बाद यहां पे x है, अब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखो 5x आ गया, फिर आ गया 2x, फिर आ गया, बिल्कुल लास्ट में करना है क्योंकि अगर कैंसिल होने की अगर बात होगी तो हम इसको पहले कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब एक्स को एक्स एक तरफ ले आओ और नंबर को एक तरफ। ठीक है, अब नंबर यहां पर क्या 75 मल्टीप्लाई बाई 5, अब 5x और 2x, तो 2x जब इधर आएगा अभी किसका है, प्लस का है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 5x माइनस 2 तो कितना बचा 3x, कितना बचा, अब क्या करना है, 3 का क्या करोगे आप, डिवाइड दोगे, तो x बराबर क्या आ गया 75 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 3। अब 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल करोगे तो 5 तो कैंसिल होगा नहीं, 75 कैंसिल हो जाएगा, कितने से होगा 25 से। अब मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि देखो
आप 75 से यही मल्टीप्लाई कर लेते 5 का तो वैल्यू बड़ी हो जाती, फिर उसमें देते आप 3 का डिवाइड। मैं बता रहा हूं क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट में मल्टीप्लाई करना, देखो यहां पे मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड दो या यहां पे 3 का, और फिर 3 का डिवाइड देने के बाद फिर नंबर वैल्यू थोड़ी बड़ी आ गई उसमें डिवाइड करना थोड़ा टफ होता है। यहां पे सिंपलीफाई, सिंपल वैल्यू है 75, उसमें 3 का मल्टीप्लाई दिया तो 25। अब मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि 75 का 5 से मल्टीप्लाई थोड़ा आपको मल्टीप्लाई 5 का पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमें 25 का 5 का पता है तो 25 5 जा कितना होता है 125। एक्स जो हमारी वैल्यू आ गई 125, जो हमारा नंबर है वो है 125। 125 का अगर 2/5 भाग करते हैं और उसमें कितना ऐड करते हैं 75, तो वो नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। इसका 2/5 करना फिर इसमें 75 ऐड करना, क्या यही आंसर आता है? तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सिंपल था, नंबर बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता ही आता है इससे। तो मैं सभी, क्योंकि शिफ्ट में पेपर होगा तो कोई भी जो नंबर से कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो हम जितने भी कॉन्सेप्ट होती हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है उन्हें ही सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर अभी समय नहीं है आपके पास कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ लें, तो आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ के चलेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, कंफ्यूजिंग वाला क्रिएट वो परसेंटेज का सवाल है। बात करते हैं दो संख्याएं एक्स और वाई, कौन सी संख्या है एक्स और वाई, जो तीसरी संख्या से 20% और 28% कम है, मतलब जो तीसरी संख्या है हमारी, यहां पे तीसरी संख्या जेड थी, यहां पे लिख लो जेड, लिखना भूल गया, जेड है वो, देखो जेड से वो तीसरी जो एक्स है वो 20% कम है और जो वाई है उससे 28% कम है। अब देखो इनमें से तीनों वैल्यू हमें पता नहीं, अगर हम एक को मान लेते हैं तो हमारे बाकी की वैल्यू पता चल जाएंगी। अब बात यहां पे जो आती है बहुत जरूरी है, वो आखिर हम किस संख्या को गैस करें, कौन सी संख्या गैस करें जो इजी होगी, अगर आप एक्स को गैस करें, वाई को गैस करें या फिर जेड को माने, क्योंकि यही चीज जरूरी है जो एग्जाम में, क्योंकि अभी आपने एक्स मान लिया, एक्स से कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, फिर आप वाई मानोगे, फिर जेड मानोगे, तो एक ही बार में जिसको मानना है, फिर से पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूं। दो संख्याएं एक्स और वाई, तीसरी संख्या जेड, जेड से जो एक्स है वो 20% कम है और जो वाई है वो 28% कम है, किससे, जेड से, क्यों ना हम जेड को ही मान लें, जाहिर सी बात है ना, अगर हम जेड को मान लेते हैं तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्स जो जेड का रिलेशन है वो एक्स से भी है और वाई से भी है, इसीलिए जेड को मानना आसान है, बिल्कुल आसान है। तो अगर हम जेड को हमने 100 मान लिया, जेड को अगर हम 100 मान लेते हैं तो जेड से एक्स है वो 20% कम है। अब 100 का 20% 20%, 100 का 1% 1%, 100 का 17% 17%, क्योंकि 100 ही क्यों मानी, क्योंकि 100 का आप कितना भी परसेंट निकालोगे बहुत आसान होता है, इसीलिए मैंने यहां पे जो वैल्यू मानी वो 100 ही मानी। ठीक है, अब जैसे 100 हमने जेड मानी तो तुरंत ही हमारा जो एक्स वाई है उसका मान आ गया, तो एक्स जेड से 20% कम है, 100 का 20% 20 हो गया, तो जब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक्स बराबर 100 माइनस 20, तो कितना आ गया 80, तो x की वैल्यू आ गई 80 और y कितना कम है, y है 28%, यानी 100 माइनस 28 कितना आ गया 72। ठीक है, अब x y
जेड, तीनों की वैल्यू हमें पता है। अब चलते हैं आगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि यहां तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते, तो संख्या वाई, मतलब वाई क्या है 72, संख्या एक्स से कितने परसेंट कम है। यहां पर ध्यान दीजिए, कितने परसेंट कम है, यहां पे जो वैल्यू पूछी है वो परसेंटेज में पूछी है कि कम तो है लेकिन वो भी कितने परसेंट। पहले ये चेक कर लेते हैं कि कम वो कितना है। देखो y x से कितना कम है, x कितना है 80, y कितना है 72, तो 80 में से तुरंत माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, कमी आ गई 8, ठीक है 8 नंबर कम है, परसेंटेज कम नहीं है, सिर्फ 8 नंबर कम है, ठीक है। अब कमी तो पता चले, लेकिन परसेंटेज, मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट जी बताया था कि किसी का हमें परसेंटेज निकालना है और जिस में से निकालना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। परसेंटेज का अगर बेस मान के चले तो बेस, एक तरीके से बेस बोल सकते हैं उसे, क्योंकि किसी का अगर परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, वो किस में से निकालना है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे बात आ गई, अब हमें देखो y x से पता चल गया कि 8 कम है, परसेंट कम नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूं परसेंट और नंबर दोनों में बहुत अंतर होता है, तो यहां पे 8 नंबर कम आ गया। अब बात आ गई, ये जो 8 है उसका परसेंटेज हमें 80 में से निकालना है या 72 में से निकालना है, क्योंकि आपका जो आंसर दिए होंगे वो 80 में से भी 8 का परसेंटेज दिया होगा और 72 में से भी दिया होगा, ठीक है। हमेशा वो जो ऑप्शन रखते हैं गलत और सही दोनों रखते हैं, जिससे अगर आप गलत मेथड भी यूज करते हो तब भी आपका आंसर लगे कि आपको ने सही मेथड यूज किया है, ठीक है। तो बात करते हैं एक्स, ध्यान से देख एक बार फिर पढ़ता हूं, संख्या वाई एक्स से कितने परसेंट कम है, वाई एक्स से कितने परसेंट कम है। देखो नंबर वैल्यू आ गई, अब एक्स से कितना परसेंट, मतलब ये जो नंबर कम आया है वो एक्स में परसेंटेज निकालना है, एक्स की जो वैल्यू है उससे परसेंटेज काउंट करना है हमें, तो 8 का परसेंटेज निकालना है हमें किस में से, 80 में से, बस हमारा काम हो गया। मैंने लगा फॉर्मूला लास्ट में भी बताया था कि जिस का परसेंटेज निकालना है वो ऊपर रहता है और जिस में से निकालना है वो नीचे रहता है, डिवाइड दे देती है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, अब 8 का परसेंटेज निकालना है, 8 डिवाइड बाई, ठीक है, अब 8 से कैंसिल कर दो 10, 0 से 0, तो कितना आ गया 10%। अगर आप 100 भी लगाते तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में पहुंच जाती, जैसे यहां पे सिंपल ऐसे रख देते 8 डिवाइड बाई 80, 100 नहीं लगाते तो यहां पे जो वैल्यू आती 1/10, ये वैल्यू भी आपकी फ्रैक्शन में रहती, जो फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना पड़ता। लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे 100 नहीं लगाया था, तो जो 100, अगर यहाँ पे आप 100 नहीं लगाओगे तो यहाँ पे जो वैल्यू परसेंटेज में नहीं आएगी, वो वैल्यू आएगी आपकी भिन्न में, तो भिन्न को आपको परसेंटेज में चेंज करना आता ही है, तो वहां से परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप सिंपल परसेंटेज में चेंज किया तो 10% आ गई। तो बाई की जो वैल्यू है वो एक्स से 10% कम है, अगर नंबर में बात करें तो 8 नंबर कम है, दोनों बातों में बहुत अंतर है। यहां पे पता चल गया, यहां पे 8 नंबर आए थे, यहां पे 10% आया था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन को नोट कर लेना कि ये कौन सा पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, नए टॉपिक को लेके आएंगे, जिसमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा टॉपिक है, न्यू आपको थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन लिया गया है वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट है वहां से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट को भी देख के चलते हैं, क्योंकि परसेंटेज लगभग हमने
काफी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो परसेंटेज से मिला जुला हुआ है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सारे परसेंटेज से मिले हुए टॉपिक है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर का सवाल है, क्या है 800 रुपए की धनराशि। ठीक है, अब दो टर्म्स हैं, पहले मैं टर्म समझाता हूं, साधारण ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि जब तक आपको इन दोनों का मींस नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन को सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने हर बार, क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका मींस जरूर पता कर लेना कि उसका मींस क्या होता है। साधारण सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो इक्वल रहता है, चाहे वो 10 साल बाद, चाहे वो मतलब कि हर साल का ब्याज इक्वल रहेगा। अगर पहली साल का अगर 10 रुपए है तो दूसरी साल का भी 10 रुपए होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल का ब्याज चेंज होता है, मतलब ब्याज पर भी ब्याज, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब वो वैल्यू है उसमें ब्याज और ऐड कर दें, फिर से नया ब्याज निकालें, फिर उस ब्याज को ऐड कर दें, फिर ब्याज निकालें, तो ब्याज को भी ऐड करके फिर ब्याज निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। एक और बात, पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों इक्वल होती हैं, मतलब पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होंगे। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को साफ करते हैं, आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इनका सिंपल एक ही फॉर्मूला है दोनों का। ठीक है, साधारण ब्याज की बात करें, SI क्या होता है, मूलधन, यही फॉर्मूला आपको पढ़ना है बस। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, बचपन में ही पढ़ा होगा, 6-7 जो भी, मूलधन दर गुणा समय डिवाइड बाई 100, बस ये फॉर्मूला है, सारे सवाल इसी से हो जाएंगे आपके। ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला है, उसी से सारे सवाल हो जाते हैं। फिर भी नए टॉपिक नए बना लिए, शॉर्ट ट्रिक ये अपनाओ, ये नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेके चलना है आपको और सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, मैंने फिर भी लिख दिया था। चलिए, तो 800 रुपए की जो धनराशि है वो 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है, मतलब 800 रुपए हमारे पास रुपए थे, 3 वर्ष के लिए हमने ब्याज पे दे दिए और 3 वर्ष के बाद वो हमें 920 प्राप्त हो गए। अब यहां से सब 800 रुपए तो थे, 920 आ गए, तो जाहिर सी बात है इसमें ब्याज भी होगा, तो ब्याज कितना होता है, ब्याज होता है जो हमारे पास मिश्रधन, इसको बोलते हैं मिश्रधन, जो ब्याज ब्याज और मूलधन को मिला के जो बनता है वो मिश्रधन होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, मिश्रधन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन, मतलब जो आपका धन है उसमें अगर ब्याज ऐड करते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। अगर इस मिश्रधन में से ब्याज हटा दे तो क्या होगा, तो मूलधन बन जाएगा, मूलधन ही हटा दे तो ब्याज रह जाएगा। तो 920 में से अगर हम 800 माइनस कर देती है, क्योंकि तो मूलधन अगर इसमें से हटा दिया इस मिश्र धन में से तो ब्याज बचेगा, तो 920 में से अगर 800 हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा, 120 जो है वो हमारा 3 साल का क्या है, साधारण ब्याज। क्यों निकाला ये, क्योंकि साधारण ब्याज में जो फॉर्मूला है उसमें हमें साधारण ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए, दर चाहिए, समय चाहिए, इसमें से एक दिया नहीं दिया होगा, बाकी सारी वैल्यू दी होंगी। तो यहां पर देखो, ब्याज हमें मिल गया, मूलधन हमें पता है, समय हमें पता है, दर निकालनी है तो आराम से निकाल लेंगे। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, 120, मूलधन कितना, कितने रुपए थे हमारे पास, तो कितने रुपए कितने थे, 800 रुपए थे, तो इक्वल टू 800। अब बात आ गई दर की, तो दर हमें निकालनी है, रेट, तो इसको मैंने आर लिख दिया। आगे आगे क्या है, समय, समय कितना है, 3 वर्ष आगे। ठीक है,
आप यहां से सॉल्व कर लो आराम से। तो देखो जीरो से जीरो, जीरो से ए जीरो, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो आर यहाँ पे छोड़ो, बाकी सब मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो इसको देखो तीन से इसको काटा तो यहाँ पे कितना आ गया, चालीस। आठ से इसको कैंसिल कर दो क्योंकि आठ पांच चालीस होते, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि वन से लेकर आपको तीस तक, एक से लेकर 20 तक वर्ग, और एक से लेकर 10 तक आपको घन, ये चीज आपको याद ही करना है, क्योंकि अगर सिंप्लीफिकेशन आपको कम समय में करना है, सिंप्लीफाई सवाल, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रेट निकल के आ गई, रेट दर निकल के आ गई, वो हमारी आ गई 5%। 5% की दर से वो हमने जो 800 रुपए थे वो दिए थे, उसका ब्याज हमें मिला था 3 साल का 120। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि ये ब्याज है 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 120 3 साल का है, अगर 1 साल का निकालोगे तो क्या करोगे, 3 का डिवाइड दे देंगे, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ गया, कितना आ गया, 120 में 3 का डिवाइड दे दो कितना आ गया, 40। 1 साल का ब्याज 40, ये भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा, ये तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि दर 5% है। थोड़ा एक स्टेप आगे क्या पूछा है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दे, अभी कितनी है 5%, 5% से उन्होंने बढ़ा दी 3%, तो आपकी जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मतलब जो मिश्र धन आपको 3 साल जो बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी मिलेगी, इतना नहीं बताया कि कितने कितने साल बाद, तो हम 1 साल का ही सिंपल निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो आर अभी प्रेजेंट में कितनी है, 5% है, 3% और बढ़ा दे तो नई आर कितनी हो गई, नई रेट जो हो गई हमारी 5 + 3 = 8%। अब हमें इस दर से ब्याज निकालना है, इस दर से राशि निकालनी, मतलब ब्याज सहित, तो पहले ब्याज निकाल लेंगे फिर मूलधन में ऐड कर देंगे तो हमारी राशि आ जाएगी। अब इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को। अब देखो अब हमें निकालना है ब्याज, मतलब ऐसा ही निकालना है, और मूलधन हमें दिया है, मूलधन कितना है 800 रुपए, नई रेट कितनी आ गई 8%, पहले 5 थी, समय हम सिंपल 1 वर्ष का निकालते हैं, डिवाइड बाई 100, सिंपल आप कैंसिल कर दो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और ये कितना आ गया 64। तो 1 साल में जो 800 रुपए पे 8% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो हमें 64 रुपए मिलेगा। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, वो क्या कह रहा है, तो यह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब 800 रुपए तो थी, उसके बाद 8% की ब्याज की दर पे पैसा दिया है, तो उसके बाद कितनी मिलेगी, 800 रुपए तो है, 800 रुपए है, उसके बाद ब्याज हमें मिल गया 64 रुपए, तो 800 रुपए है, 64 रुपए और आ गए तो ऐड कर दो कितना आ गया, फिर 864 रुपए। अगर हम 800 रुपए को 8% ब्याज की दर से 1 साल के लिए देते हैं तो हमें 864 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर यही वैल्यू होती कि 3 साल बाद कितना मिलेगा, तो हर साल का ब्याज क्या होता है, समान होता है, तो 64, 1 साल का 64, दूसरे साल का फिर 64, तीसरे साल का फिर 64, कितने भी साल का पूछ ले, तो यहाँ पे समय, बस समय इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ 1 वर्ष है तो 2 वर्ष का पूछे तो 2 वर्ष, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस ये कॉन्सेप्ट था, ये चीज थी जो ब्याज निकालना था, बस, ठीक है। चलिए अब और भी कॉन्सेप्ट करेंगे, अब थोड़ा हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे, एडवांस जिसको बोलते हैं, काफी लोग कहते हैं एडवांस में, जो सबको परेशान करता है, सबको परेशान करता है कि सर जो एडवांस मैथ पढ़ना है हमें, एक्चुअली वो एडवांस नहीं होता, वो आपका इसी मैथ में आता है जो सामान्य गणित के नाम से जाना जाता है, सामान्य गणित बोलते हैं, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं एडवांस, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। कैसे करेंगे मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला है
वो एडवांस एडवांस बोलूंगा नहीं, सिंपल मैथ्स है जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे वो मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेंसुरेशन के जो फिगर है जिनसे क्वेश्चन पूछते ही है उनको समझेंगे कि कौन कौन से जो फिगर होती है मेंसुरेशन में उनके बारे में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें। इस वीडियो में कोई डाउट है आपको, अगर आपके इसके अलावा कहीं और भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, उससे संबंधित आपकी हम डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, आपके डाउट आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आप हम नया वीडियो कोई भी डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।